9 children have lost their lives after being stuck under the debris of a mud wall in Sagar in Madhya Pradesh, as per a statement issued by the collector of Sagar, Deepak Arya. Some children are injured while some are still under treatment. All debris have now been removed from the site of the accident. Vaibhav Gupta, my colleague, is joining us for more on this story. Vaibhav, sad news coming in from Madhya Pradesh. What is the situation now on ground there? बिल्कुल, सागर जिले के शाहपुर में ये घटना घटित हुई है। सुबह 10 बजे की घटना है। जो घटना स्थल है वहां पर हरदौल मंदिर है, जो कि भगवान शिव का ये मंदिर है। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, उसके साथ ही भागवत का पाठ भी यहाँ पर हो रहा था। चूंकि संडे का दिन था तो बड़ी संख्या में जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। करीब 5 दशक पुराना एक मकान था जिसकी दीवार मंदिर के नजदीक की थी, जहाँ जो बच्चे थे वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो तेज बारिश के चलते वो दीवार की नींव कमजोर पड़ी और वो दीवार भर भराकर इन बच्चों के ऊपर गिर पड़ी। ये जो घटना थी इस पर 9 बच्चों की डेथ हो गई है, मौके पर ही डेथ हो गई थी। इनकी जो उम्र है वो 8 साल से 15 साल के बीच में है। वहीं जो दो बच्चे गंभीर रूप से घायल है उनका इस वक्त सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने जो मृतक है उनको लेकर 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है। इसके साथ ही जो घायल हैं उनको संपूर्ण रूप से अच्छा इलाज मिल सके इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन घटना काफी दुखद है, कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही जो दूसरा स्टाफ है वो भी मौके पर वक्त मौजूद है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.